उदाहरण दो, पता कीजिए कि क्या शून्य और दो बहुपद x का वर्ग ऋण 2x के शून्यक है। माना px बराबर x का वर्ग ऋण 2x। तब x बराबर शून्य रखने पर p शून्य बराबर शून्य का वर्ग ऋण 2 गुणित शून्य बराबर शून्य का वर्ग शून्य ऋण शून्य बराबर शून्य, यानी शून्य px का शून्यक है। पुनः px बराबर x का वर्ग ऋण 2x में x बराबर 2 रखने पर p 2 बराबर 2 का वर्ग ऋण 2 गुणित 2, 2 का वर्ग बराबर 4 ऋण 2 गुणित 2 4 बराबर 0, यानी px का एक और शून्यक 2 है। इस तरह इस उदाहरण का हल होगा।